उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई, वहीं 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में वहां तैनात एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस घायल महिला पुलिसकर्मी से सीएम योगी ने भी आज मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस महिला पुलिसकर्मी का नाम सीमा मौर्य है। वो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग स्थल के पास हाथरस के फुलरई गाँव में तैनात थी। घटना के दौरान भी वो वहीं मौजूद थी। उन्हें वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन वहां भीड़ इतनी अव्यवस्थित हो गई कि वो खुद भी घायल हो गई। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने घटना के बारे में भी जानकारी दी है। क्या नाम है आपका? सीमा जी, क्या हुआ था? आपकी ड्यूटी थी पॉइंट पे? हमारी ड्यूटी थी, कोतवाली सिटी में तैनात हैं जी, और वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी थी। सुबह से मैं पहुँच गई थी, 7:30 बजे का दिन पहुँच गई। जब वो पहुँची थी तो लगभग कितने श्रद्धालुओं की संख्या थी? तब तो कम थे, फिर भीड़ तो बढ़ती रही। जब तक वो आए भोले बाबा तब तक काफ़ी पर्याप्त मात्रा में भीड़ हो गई थी। आप वहाँ थी तो ये जो भगदड़ मची थी वो क्या कारण था, कैसे हुई थी? जैसे ही वो गए भोले बाबा अपना भाषण सुना के, तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। तो उसकी वजह से हुआ यहाँ से? हाँ। तो आप कैसे चोटें हुई? मैं महिलाओं के साथ ही थी और मैं रोड तक आ गई। मैं रोड पे ही महिलाएं गिरी, इतना तो मुझे उनसे, और वहीं पे मैंने महिलाओं को उठाया भी काफ़ी महिलाओं, और फिर मैं भी वहीं पे गिर गई। आज मुख्यमंत्री आके मिले आपसे? हाँ, मिले। और क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने आपसे? यही घटना बारे में पूछा और आश्वासन दिया कि अच्छा इलाज चल रहा है। और आपने वहाँ पे जो महिलाएं थी उनकी मदद की? हाँ। उसी की वजह से आप चोटें हुई। अब आपकी कैसी तबीयत है? इधर घटना पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नजर बनी हुई है। योगी ने अधिकारियों के साथ घटना को लेकर मीटिंग भी की। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे इसकी सजा देना और घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते, किस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इनके बारे में
एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।